थैंक यू जीसस। वचन को आदर देना परमेश्वर को आदर देना है, वचन को ग्रहण करना परमेश्वर को ग्रहण करना है, और वचन को ग्रहण करने के बाद वचन के अकॉर्डिंग चलना पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया। आपको कभी परमेश्वर मिलेगा नहीं, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन उसी परमात्मा ने ही हमें वचन दिया है और उसने कहा तुम्हारे लिए यही परमेश्वर है, और अगर तुम इसके अकॉर्डिंग करने लगोगे, सोचने लगोगे, बोलने लगोगे, चलने लगोगे, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में तुमको लेकर चल देगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दिए थे, 10 आज्ञाएं। ये 10 आज्ञाएं 2 पार्ट में दी गई थी, 2 तख्तियां थी, ठीक, टैबलेट 1 टैबलेट 2, और इसके 2 पार्ट्स भी हैं। 10 कमांडमेंट्स को बोला जाता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये नैतिक नियम थे, है ना, धार्मिक नियम नहीं थे, नैतिक नियम थे। मॉरल कोड का अगर और थोड़ा सा आप इसको फाइन ट्यून करें तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर के मानक क्या है, उसके अकॉर्डिंग लाइफ को कंडक्ट करना, यानी उसके अनुसार जीवन जीना, ठीक, इतना सबको मालूम है। आज आप बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो जब विनाश का पुत्र, जिसके लिए लिखा है मैन ऑफ सिन, जिसके लिए लिखा एंटी क्राइस्ट, उसकी विशेषता आपको बता दें, क्योंकि हम ऐसा पॉइंट टच करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता चल जाए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, एक ट्रू एक फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। फॉल्स क्रिश्चियनिटी में मालूम क्या है, यीशु मसीह ने इसको बड़े व्यवहारिक ढंग से बोला था, सकरा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, बहुत थोड़े होंगे जो वो प्रवेश पाएंगे, चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, बहुतेरे होंगे जो उसमें जाएंगे। यहीं से आप पकड़ लीजिए, जो लॉलेस वाला पार्ट है वो ब्रॉड वे है। ब्रॉड वे इसका मतलब ये होगा कि बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहने लगेंगे, मसीही मानने लगेंगे, एंड दे प्रोफेस देमसेल्व वी आर अ क्रिश्चियन, और कलीसियाएं खुल जाएंगी उनके लिए, और वो कलीसियाएं वहां पर वो अपने आप को मेंशन करेंगे वी आर क्रिश्चियंस, लेकिन जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो अगेंस्ट द 10 कमांडमेंट होगा। इसीलिए उस सेक्शन का जो मेन हेड होगा, ही इज कॉल्ड एंटी क्राइस्ट, उसी को लॉलेस लिखा हुआ है, लॉलेसनेस। जब मसीहत आपको जो दिख रही है उसमें लॉलेसनेस दिख रही है, लॉलेसनेस का मतलब 10 कमांडमेंट्स नहीं है, विदाउट 10 कमांडमेंट। अब आप चौंक गए होंगे 10 कमांडमेंट के बिना, यस, कलीसियाओं में 10 कमांडमेंट नहीं है, विदाउट 10 कमांडमेंट जो क्रिश्चियनिटी है वो लॉलेस है। तो फिर लॉफुल क्या है, हमने आपको भी 2 संडे पहले बताया लॉफुल और अनलॉफुल, 2 चीजें बताई थी। संवैधानिक एक शब्द है हिंदी में, मेरे ख्याल से हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉफुल और अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। यस, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज, यही बाइबल कहती है, ठीक, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाना परमेश्वर के विद्रोह कर देना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 11 से 16 पद तक पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर, देखिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का फेवर नहीं करता। ये नहीं कि ये यहूदी हैं, इनको गलती की है तो इनको चुप्पे से क्षमा कर दिया, और ये अन्य जाति हैं, इन्होंने गलती की, इनको इनको पनिशमेंट कर दो, ऐसा नहीं करता वो, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फॉर गॉड शोज नो पार्शियलिटी,
अनड्यू फेवर और अनफेयरनेस विद हिम वन मैन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नहीं है, सब बराबर है। हाँ, लॉ का भी यही काम है, सब लोग बराबर है, अपराध किया अपराधी है, चाहे वो मसीही हो, परमेश्वर उसे भी अपराधी घोषित करता है, वो मसीही नहीं है इन हिज इन द आईज ऑफ गॉड। लोगों की दृष्टि में वो उसको मसीही मानते तो मानते रहे, लेकिन परमेश्वर नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह पर दाग नहीं लगने देगा, क्योंकि उसका बलिदान छुटकारे के लिए दिया गया है। वो हमें क्षमा करने आया है, दोषी ठहराने नहीं आया, पाप का सेवक नहीं है यीशु मसीह जी। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी हो जाएंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर कौन? 10 आज्ञाओं के सुनने वाले धर्मी नहीं है, 10 आज्ञाओं पर चलने वाले धर्मी है इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामने, इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर के नजरिए से। आप बाइबल को किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं? किसी डिनोमिनेशन के नजरिए से पढ़ेंगे आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप अपने खुद के नजरिए से पढ़ेंगे तब भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर परमेश्वर के नजरिए से पढ़ेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखाई देगा अपनी लाइफ में जी। व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, फिर जब अन्य जाति लोग, अपने मतलब की बात आ गई, हम भी हैं अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, यानी 10 हुक्म लिखित में नहीं है, स्वभाव ही से उनके स्वभाव में व्यवस्था काम कर रही है। हाँ, अभी आपको पता चल जाएगा जी। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए, वो खुद अपने लिए मॉरल कंडक्ट है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, खुद यू आर रिस्पॉन्सिबल जी। वे व्यवस्था की बातें, या अन्य जाति लोग व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी, अन्य जाति के लोग विवेक, उनका विवेक गवाही देता है ये अनलॉफुल है, ये बिल्कुल सही नहीं है जी। और है उनके विचार परस्पर दोष लगाते और या उन्हें निर्दोष, यानी उनके अंदर विवेक इस बात में काम करता है कि ये अनलॉफुल है और ये लॉफुल है। कैसे? आगे पढ़ दीजिए। जिस दिन पौलुस कह रहा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, बस यहीं पर रुक गया ना, इनकंप्लीट सेंटेंस है। उस दिन सबकी पोलें खोल देगा, आगे हमसे भूल लीजिए, उस दिन सबकी पोल खुल जाएगी कि तुम कितने विश्वासी थे। अब हम आपको बताते हैं अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, लेकिन वो स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं और अपने अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, हर ये चीज अनलॉफुल है और ये चीज लॉफुल है अकॉर्डिंग टू गॉड। तो वो स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड उनके माइंड में, उनके विवेक में है, उनका विवेक उसी स्टैंडर्ड पे ही काम करता है, इसीलिए उनको उनका विवेक दोषी भी ठहराता है और निर्दोष भी ठहराता है। अब हम आपको बताते हैं ये काम होता कैसे। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री 2:8-13 तक पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार के, क्योंकि तू अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सचमुच उस राज व्यवस्था को
उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो, पक्षपात क्या है? नहीं, पक्षपात क्या है? पाप। आज आपको सब जगह पक्षपात मिलेगा। कोई आपके पक्ष में बोलने लगा वो निर्दोष है, और जो आपके विरोध में बोल रहा है वो दोषी है। अब आप ऑब्जर्व करके देखिए कहां कहां पक्षपात हो रहा है। नहीं दिख रहा आपको? किसी को नहीं दिख रहा पक्षपात? घरों में देख लीजिए पक्षपात है। दो बच्चे हैं, एक का फेवर मां कर रही है, एक का फेवर बाप कर रहा है ना। हमारे देश में तो बहुत ज्यादा पक्षपात है, और ये पक्षपात पाप है। और कितने लोग कर रहे हैं? मन फिराने की तो जरूरत है नहीं। हम तो प्रभु, हम तो कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हम पाप कर रहे हैं। कौन से मसीही हैं आप? बिना मन फिराए आप ग्रहण नहीं किए जाएंगे। लिख लीजिए, आप कभी नहीं ग्रहण करेगा। और आप जितना मन फिराते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें आपके सामने आए, तुरंत कहो कि नहीं, ये है मेरे अंदर, इस चीज से मुझे मन फिराना है। मन फिराने का मतलब मान लेना और छोड़ देना, मान लेना छोड़ देना। आप मान लो, मन में अंदर मानो कि अब ये नहीं करेंगे, ठान लो और छोड़ दो, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़िए। और व्यवस्था तुम्हें व्यवस्था ही आपको अपराधी ठहराएगी, क्योंकि जो कोई देखिए फ्लो क्या है। 10 कमांडमेंट का फ्लो पकड़ लीजिए, दोष। व्यवस्था जो 10 कमांडमेंट दिए थे उसका दोष देखिए क्या है। यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, एक बात में 10 में से 9 मानी और 1 चूक गए, तो आप क्या ठहरे? तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका। कितनी बातों में? आपने 9 आज्ञाएं मान ली, 1 आपसे मिस हो गई, तो आप कितनी बातों में दोषी ठहरे? तो आपकी 9 की 9 बिल्कुल 0, यानी माइनस मार्किंग देखिए कितनी जबरदस्त है। आपको ये पढ़ के ये तो पता चल गया होगा कि 10 हुक्म को आप अगर मानने की कोशिश करते हैं तो सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाएगा, है ना। 1 से चलो 99 पे पहुंचे, फिर सख्त से पीछे नीचे 1 करके देख लीजिए आप, आपको क्या पता चलता है। ये यहूदी लोग यही तो करते करते आज तक फंसे हुए, कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड को आप फॉलो नहीं कर सकते, कंप्लीट फुलफिल नहीं कर सकते। हालेलुया। अब बताइए विकल्प। हम बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते, समस्या आपके सामने खोल दी, विकल्प बताइए। नहीं, विकल्प क्या है? रिपेंट तो वो है, प्रोसीजर है। नहीं, विकल्प किसको? परमेश्वर तो खुद नहीं आया। अब आपने बोला आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली जीसस क्राइस्ट, वो आपको बचा सकता है। आपके ऊपर मृत्यु दंड दे दिया गया, आप दोषी साबित हो गए। यू आर कन्विक्टेड ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, और आपके ऊपर मृत्यु का दंड डिक्लेयर हो गया। जब किसी के ऊपर मृत्यु दंड डिक्लेयर हो जाता है हमारी व्यवस्था में, बिल्कुल बाइबल से रिलेटेड है पूरा लॉ सिस्टम, तो आपके पास अपील करने का एक टाइम होता है, और केवल एक ही जगह अपील कर सकते हैं, राष्ट्रपति को, थ्रू गवर्नर। आप स्टेट में है तो गवर्नर के थ्रू होता है ना, गवर्नर के थ्रू आप राष्ट्रपति को सिर्फ अपील कर सकते हैं क्षमा याचना, वो भी अगर उसका विवेक चाहेगा। वो ये उसके विवेक पर है, ये कानून से बाहर है, ये उसका विशेषाधिकार है। अगर गवर्नर देखेगा, ये उसका प्रोटोकॉल है, और चाहेगा अपनी इच्छा से, तो आपको कुछ समय के लिए माफी मिलेगी, लेकिन आप अंडर सुपरविजन रहेंगे। हाँ, अगर आपकी दोबारा कहीं से कोई शिकायत मिली, फिर वो दंड आपका फिर से लागू हो जाएगा। हालेलुया। बस यही चीज नए नियम में बताई जा रही है। अब आप बताइए, पिंतेकुस्त के दिन जब पतरस खड़े होकर बोला था, यहूदियों को क्या समझ में आ गया था? यही बात समझ में आ गई थी। मेरे साथ एक जगह चलिए, देखिए अभी आपको अभी भी नहीं समझ में आया, आपके चेहरे बता रहे हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17:1-5 यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर के पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको, किसको? यीशु मसीह को सब प्राणियों पर, कोई परमेश्वर ने भेद किया, चाहे यहूदियों चाहे अन्य जातियों चाहे किसी भी जाति का, सब मनुष्यों पर यीशु मसीह को अधिकार दे दिया, जिसको चाहो उसको क्षमा करो और जिस जो क्षमा के लायक हो से क्षमा कर देना, जो क्षमा के लायक हो मत करना, न्याय करने का सारा अधिकार उसको मिल गया। हालेलुया। आपको यह सत्य भी पता चल गया। अब बताइए, आगे पढ़ दीजिए कि जिन्हें तूने, किसको? जिन्हें तूने, वो यीशु मसीह पिता से कह रहा, जिन्हें तूने मुझको दिया है, यानी यीशु मसीह को दिया है, उन सब को, किसको? संसार के सब लोगों को, जिन्हें पिता ने, जिन्हें यीशु मसीह को दे दिया। इसका मतलब कलीसिया में आप अपनी मर्जी से नहीं आए, पिता का प्रेम आपके जीवन में प्रकट हुआ और उसने पुत्र की देह में आपको भेज दिया। हाँ, ये दान है, और आप आए ताकि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे जी। और अनंत जीवन ये है कि वो दुआ प्रार्थना करने लगे और वो फास्टिंग करने लगे और वो ये, हाँ ये नहीं है। फिर क्या लिखा है? कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। ओहो, तो कलीसियाएं लोगों को क्यों नहीं क्लियर कर रही हैं अनंत जीवन के लिए? लोगों को क्यों नहीं बता रही कि किस पर, किसके किसके हाथ में तुम हो? वो तुम्हें जीवन भी देगा और नरक की अग्नि में भस्म भी करेगा। अगर तुमने उसे ग्रहण नहीं किया तो तुम गए काम से, और अगर कर लिया तो अनंत जीवन। तो यीशु मसीह बीच की कड़ी है, काहे की अनंत जीवन और अनंत दंड के बीच। हालेलुया। और सारी मानव जाति अनंत मृत्यु में जा रही, तीसरी लाइन ये भी जा रही, जो जो प्रभु को नहीं मान रहा है और उसकी मृत्यु हो गई फिजिकल डेथ, वो सीधे अनंत मृत्यु में चला गया। इसके बाद बचे दो, कलीसिया में आए, यीशु मसीह के बारे में सुना, परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे, तो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होंगे और अनंत जीवन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना लेकिन आप अपनी मर्जी में चल रहे हैं, शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं जैसे संसार के लोग, वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं, आपने यीशु मसीह की चीजों को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया, तो आप अनंत दंड भोगेंगे। आगे 3 क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मुद्दा भी क्लियर हो गया। अब आप मेरे साथ आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19:16 से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, एक मनुष्य यीशु के पास आया और यीशु मसीह से उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? इच्छा देखिए उद्धार पाने की है, आप इसको उद्धार बोल लीजिए, अनंत जीवन बोल लीजिए, बॉर्न अगेन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए जी। यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक है, पर यदि तू जोई लाइफ में प्रवेश करना, ग्रीक में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अगर तू जोई लाइफ में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो। यीशु मसीह ने उसको अनंत जीवन दिया क्यों नहीं, ये क्यों कहा कि आज्ञाओं को माना? आज के मसीह लोग कहते हैं यीशु मसीह ने हमें आज्ञा नहीं, आज्ञा से हमारा कोई मतलब नहीं, इसीलिए मन नहीं फिराते जी। आज्ञाओं को माना
आज्ञाओं को माना कर। अब देखिए ये लड़का क्या कह रहा है, ये यहूदी लड़का है, उसने यीशु मसीह से कहा, लड़के ने कौन सी आज्ञा है? वो सोच रहा था कुछ और नहीं बताएगा, बाईपास कर लेंगे। यीशु ने कहा ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए यहां पर जितनी बातें आज्ञा की, ये दो तख्तियां थी बता रहे ना, एक इंसान से संबंधित और एक परमेश्वर से संबंधित। यीशु मसीह ने वो वाली तख्ती नहीं छोड़ी। लो दो भाग है, 10 कमांडमेंट्स दो पार्ट है, 4 आज्ञाएं 4 कमांडमेंट्स 1, 2, 3, 4 एकदम सीरीज में, दे आर कॉल्ड स्पिरिचुअल कोड। नोट कर लीजिए डायरी में, कहीं से मिलेगा नहीं आपको ये डिटेल। दे आर कॉल्ड स्पिरिचुअल कोड, और उसके बाद 5 से लेके 10 तक ये था मॉरल कोड। आपको मालूम है मॉरल मैन की परिभाषा? मॉरल मैन आपको बहुत मिलेंगे संसार में, और आप लोग मॉरल मैन को ऐसे, उनके मोटिवेशन को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, आप मॉरल मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या बढ़िया प्रीच कर रहा है, उसकी मोटिवेशनल पावर्स बहुत जबरदस्त होती क्योंकि वो मॉरल मैन है। हाँ, उसके पास कैप्चरिंग पावर होती है, आप उसका एकदम यू खसीट लेगा आपको, और आपके पास स्पिरिचुअल कोड किसी के पास नहीं है। अब आप, हम बहुत मुद्दे पे आ रहे हैं। अब आगे देखिए कि उसने कहा कि ये आज्ञाओं को मान, उसने, उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, इन सबको मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? मन फिराने की जरूरत है नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये वाली चीजें मान रहा है तो वो यही कहेगा, हमें मन फिराने की जरूरत, ये वाली चीज आप लोगों में भी काम कर रही है, बहुत बार ये माइंड में रहता है। हालेलुया, आपका सामना किससे हुआ है आपने कभी सोचा है? आपका सामना यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा से है, डायरेक्ट एनकाउंटर। और पवित्र आत्मा कल ही बताया कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें कन्विक्ट और कन्विंस कर देगा, तो आज कन्विक्ट और कन्विंस करेगा, विश्वास करते हैं? वो आपको कन्विक्ट तो कर चुका है, कन्विंस करेगा। कन्विंस का मतलब अब तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम नैतिक मैन, नैतिक मनुष्य बन के। कई बार मालूम है आप माता पिता का, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं इन द वर्ल्ड, और वो एग्जाम्पल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो गए, उन्हें किंग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिला, अनंत जीवन नहीं मिलेगा, ये उनकी बड़ाई होगी। इसीलिए यीशु मसीह का, तुम अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने की मत करो, परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मिलेगा, लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे, तुम्हारी किताबें छप जाएंगी, तुम्हारा चैप्टर छप जाएगा मॉरल टीचिंग में, एमटी की बुक में। क्या आप चाहते हैं कि आप एमटी की बुक में आपका मॉरल चैप्टर छप जाए या किंगडम आपको इटर्नल लाइफ मिल जाए? अरे इटर्नल लाइफ के लिए तो फिर इससे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चोरी ना करना, ऐसे लोग हैं जो चोरी नहीं करते, बहुत ईमानदार है, वो भी मॉरल टीचिंग में ही आएंगे काम। व्यभिचार ना करना, ऐसे भी लोग हैं जो व्यभिचार नहीं करते हैं। आज जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, लालच ना करना, ये सब लोग इन चीजों को मान चाहिए, जैसे उस लड़के ने कहा मैं इसे बचपन से मान रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु मसीह ने पहले के 4 पॉइंट को टेस्ट करने के लिए एक चीज बोली, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, अगर तू परफेक्ट होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, तो जा अपना सब सामान या अपनी सब धन दौलत, सब जायदाद बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और ये करके आकर मेरे पीछे। ये नहीं कि जा इतना कर लो हो गया। यीशु मसीह किसी को कोई काम बता के परमानेंटली नहीं घर भेजता है, वो आपको कुछ बताता है और फिर देखता कि आएगा कि नहीं दोबारा। हमको ये मालूम है
बहुत से लोग समय समय पर धीरे 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 अपना स्टेशन आएगा, निकल लेंगे। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, जो बना रहेगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया, यीशु मसीह ने कहा इतना करके आओ मेरे पीछे, बोलो फॉलो मी। और इतना करना ही भारी था, फॉलो तो छोड़ दो, कौन करेगा फॉलो, निकल लो। हालेलुया। ऐसे यहां भी होगा, कटनी छटनी साथ साथ चलेगी। इसलिए बड़े हॉल हॉल की या बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कटनी छटनी साथ साथ, भूसी उड़ती जाएगी, जंगली दाना भागेगा, सिर्फ रहेगा तो गेहूं का दाना। एक ऑपरेशन थिएटर में लाखों करोड़ों ऑपरेशन होते हैं और करोड़ों लोग जिंदगी पाते हैं, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े बड़े हॉल क्यों बना रहे हैं? अब आप सोच लीजिए, कॉमन सेंस है नहीं, ज्यादा लोग आएंगे भी। ब्रॉडवे कहाँ है? यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, चौड़ा है वो मार्ग और चौड़ा है वो फाटक, वहां बहतेरे जाएंगे। आप देख लीजिए सब जगह भीड़। लेकिन छोटी जगह में जल्दी वो, आप मशीनरी बहुत बढ़िया काम करती है, ऑपरेशन थिएटर में सब एकदम स्पेसिफिक वर्क होता है, वहां कोई बातचीत आपस में नहीं होती है, सारा काम इशारों में होता है। हालेलुया जी। अब देखिए, परंतु वो जवान ये बात सुनकर, अब क्या हुआ, क्योंकि आगे लिखा हुआ बहुत धनी था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अपने धन को अपना ईश्वर मानता है। आपको मालूम है चाइना के अंदर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में फोटो फ्रेम में एक चीज लगी हुई है और उस पर लिखा अमेरिकन गॉड, वो डॉलर है और डॉलर को उसने फ्रेम करके लगाया और उसके ऊपर लिखा अमेरिकन गॉड। हाँ, लेकिन बेटा सही है, आज पूरी दुनिया उसी गॉड को गॉड मानती है। हालेलुया। आपके जीवन में हम बहुत सरल बताते, एकदम जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी भी समझ में आ जाए, आपका ईश्वर वो जो आपके जीवन में प्राथमिकता रखता हो, जो सबसे पहला आप प्राथमिकता जिसको देते हो, जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो, जिसको सबसे ज्यादा स्थान, पहला स्थान, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वो हो सकता है आपका भोजन हो, वो हो सकता है आपके बच्चे हो, वो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हो, वो हो सकता है आपका बिजनेस हो, वो हो सकता है आपकी नौकरी हो, आपकी सैलरी हो, वो हो सकता है आपकी बचत हो, या वो हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है, वो ईश्वर का दर्जा आपके जीवन में लेकर बैठी हुई है। हालेलुया। इस लड़के के जीवन से आपको क्या चीज देखने को मिली, लाइट मिली कि नहीं मिली, है ना? यह अनंत जीवन तो पाना चाहता था, और इसका दावा देखिए, मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं बचपन से, मुझ में किस बात की कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटा सा एक्ट बताया, ये करके आओ मेरे पीछे। हालेलुया। यही मैसेज आज आपके लिए, आपको किस चीज से मन फिराना, अब बताइए, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, हमें मालूम है। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। अभी वो पाठ खोला। हाँ हाँ, हाँ, हाँ ये सब लेके जाऊंगा। हमेशा आपकी प्रॉब्लम पे हिट मारता है। यस, आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, छोड़ दे, छोड़ सकते हैं ना? आपकी प्रॉब्लम वही है, जिस चीज को आप ज्यादा प्यार करेंगे वही आपकी प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, हाँ, इसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम उसके मुंह से तोड़ता है। अब आप पीछे जाके देखिए, अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, बहुत मुश्किल से मिला था परमेश्वर, उसी पर बोला कि यही दे दे। परमेश्वर आपसे वो चीज मांगेगा जो आपके जीवन में प्राथमिकता पे है। क्या आप अपनी प्राथमिकता को चेंज कर सकते हैं? आर यू रेडी टू चेंज योर प्रायोरिटी? हाँ जी, जब तक मायका छूटेंगे नहीं तुम ससुराल के हो ही नहीं सकते। हम व्यवहारिक बोल देते हैं, जाओ। अब बिचारे जो पढ़े लिखे नहीं हो तो सर से समझ जाएंगे। नहीं करता अंदर, वही मिस्र, यही पे यहूदियों को टेस्ट कर चुका है।
अंदर से मिस्र नहीं निकला था, और तुम कलीसिया में आए हो और तुम्हारे अंदर मिस्र रहे और तुम उसके राज्य में घुस जाओ, ये पॉसिबल नहीं। निकालो मिस्र। अब हम आपको मुद्दा बताते हैं, कानूनी तौर पर बताते हैं, लॉफुल बात बताएंगे। अभी हमने आपको प्रिंसिपल दिखाया, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता किसी एक बात में चूक जाता है वो सब बातों में दोषी ठहरता। यहूदी लोग व्यवस्था की सब बातें मानते थे, माता पिता का आदर कर करते थे, परमेश्वर की चोरी न कर मानते थे, और व्यभिचार न कर ये भी मानते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन शुरू की जो चार थी स्पिरिचुअल कोड, वहां पे सब फेल, वहां पे सब फेल थे। पहली आज्ञा क्या थी? निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके उसका पढ़ दीजिए आप, 20 अध्याय 1-6 तक पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हो, तुम मुझे छोड़ दूसरों को क्या नहीं करना, और आगे तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, मेंटल इमेज जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों, अरे बाप रे, चार जनरेशन नष्ट कर देगा, यानी पूरी जनरेशन तुम्हारी नष्ट कर देगा, चार जनरेशन तक। जी पितरों का दंड, तुम्हारे पूर्वजों का दंड, तुमको ये श्राप है। अब ये बताइए, आप हो सकता है कि आपने चोरी ना की हो, ना करते हो, आपने आज तक चोरी नहीं की, आपने व्यभिचार नहीं किया, आपने माता पिता का भी आदर कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को जाना? Who God is? Who is true God? कहां चूके आप? नैतिक नियम में कहां चूके? और किसी एक आज्ञा का उल्लंघन सारी आज्ञाओं में दोषी ठहरा देता है। हालेलुया। आप कभी भी आप फिजिकली व्यभिचार नहीं करेंगे, स्पिरिचुअली करेंगे, क्योंकि आप पहली आज्ञा नहीं मान रहे ना, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं, और आप लालच मन में करेंगे। हो सकता है कि आपने लालच में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मन में लालच भरा होगा, काश मुझे ये नहीं, काश मुझे ये नहीं। स्पिरिचुअली आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या मन फिराने की जरूरत नहीं है? अब आपको पता चला, अच्छा मन फिराना पड़ेगा, बाईपास नहीं कर सकते हम, इसी पाठ के रहेंगे क्योंकि यही नैरो वे है। हाँ, आपको यानी लिखा हुआ नीति वचन में, जो कोई अपने अपराध छिपा रखता है वो परमेश्वर का दंड उस पर बना रहता है, लेकिन जो कोई अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। ये एक पॉइंट है कि आप पर दया की जाएगी, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है, मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा। आप मन फिराएंगे तो आप पर दया करेगा, नहीं फिराएंगे नहीं करेगा। जितना लंबा समय आप मन फिराने में लगाएंगे उतना लंबा समय परमेश्वर आप पर दया नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं आप पर दया ना हो? हैं? सब सन्नाटे में क्यों आ गए? सुनने वालों के हृदय छिद गए, वो उनको पता चल गया अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये गारंटी, लीजिए, आप कोर्ट से नहीं छूट सकते, ये तो परमेश्वर की बात है। अंदर अंदर आ जाइए, प्लीज अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, एडजस्ट कर लीजिए।
जो जो एडजस्ट कर सकता है प्लीज, वेरी गुड, परमेश्वर उसे आशीष दे जो एडजस्ट करना शुरू कर रहे हैं ताकि और एडजस्ट करें। जी कुछ समझ में आया? हो सकता है कि आप मॉरल मैन हो, नैतिक पुरुष, कोई गलत काम नहीं, लेकिन क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, हु गॉड इज? हैं? ये बहुत बिग क्वेश्चन मार्क हो गया। अनंत जीवन का मतलब मालूम क्या है? यीशु मसीह ने कहा था तुझ परमेश्वर को, पिता को, और उसे जिसे तूने भेजा यानी यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। चाहिए तो जानकारी तो एक दिन में होगी नहीं, ये तो आपको इसमें मन लगाना पड़ेगा। परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को देंगे, ये मेरी प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी, ये नहीं कि आप ये कर रहे हैं तो बाकी सब ना, ये तपस्या है और तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। सारे डिस्टर्बेंस के बीच में आपको ये करना है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो आपके साथ फेवर में आ गया ना, आपको उसने अपने फेवर में ले लिया। परमेश्वर का अनुग्रह इसी को बोलते हैं, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो गया, ये मेरा बच्चा है, इसे मैं सिखाऊंगा। अब हम आप मेरे साथ जल्दी से एक जगह चलिए, आपको मिलेगा गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, इसलिए यहां पे अगर आप देखेंगे हिंदी बाइबल में एक हेडिंग होगी, हेडिंग ये लिखी होगी, यहां देखो व्यवस्था का द पर्पस ऑफ द लॉ, 10 कमांडमेंट्स, पर्पस ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, ऐसे समझिए जी। इसलिए ये 10 कमांडमेंट्स मसीह तक पहुंचाने के लिए, यहां पर हिंदी में जो शब्द लिखा है शिक्षक हुई है, ये शिक्षक वर्ड गलत है। इंग्लिश में क्या लिखा है? गार्जियन। अब हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं, ये हिब्रू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है, हिब्रू हिस्ट्री नहीं मालूम है, तो आप इस चीज को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। पौलुस क्योंकि हिब्रू था, यहूदी था, इसलिए उसको बहुत अच्छी लाइफ थी इसके विषय में। इसको आप ग्रीक बाइबल में जब पढ़ेंगे, ग्रीक में लिखा हुआ है शिक्षक की जगह पैदागोगोस। पैदागोगोस का मतलब होता है, इसकी इतनी सी है कि पुराने जमाने में यहूदी लोगों में, ये लोग बहुत पैसे वाले होते, आज भी बहुत पैसे वाले, सबसे अमीर पूरी दुनिया में अगर कोई है तो यहूदी, ज्यूस। अमेरिका में जो पैसा आपको दिख रहा है ये ज्यूस का है। यहूदी लोग बहुत अमीर होते थे और उनके घर में जब बच्चे पैदा होते थे उसके लिए वो गुलाम रखते थे, खरीदे हुए गुलाम, और वो गुलाम उस बच्चे का, यानी आजकल जिसको लोग नैनी बोलते हैं इंग्लिश में, बच्चा संभालने वाली, केयर टेकर, वो लोग केयर टेकर रखते थे बॉयज के लिए, और वो जेंट्स होते थे, लड़के ही होते थे, और वो लड़के के अपने बच्चों के लिए वो केयर टेकर रखते थे, वो गुलाम होते थे। और उनका काम क्या था? बच्चे को हर समय कोई खतरा ना हो, गिर ना जाए, उसको यानी बिहेवियर सिखाते थे, मैनर्स, ये तुम इस घर के हो तुम्हें ये मैनर्स, तो यानी डिसिप्लिन पे काम करना, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना, मैनर्स पैदा करना, जो दादा दादी भी करते हैं। और उसके अलावा उसका एक और महत्वपूर्ण काम था पैदागोगोस का, वो था कि बच्चे को घर से स्कूल तक ले जाना और स्कूल से घर लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब बच्चे को आप स्कूल की तरफ ले जाते हैं, जो व्यक्ति बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है वो बच्चे से रस्ते में किस तरीके की बात, देखिए हम उसको मैच्योर करते हैं, मेंटली उसको प्रिपेयर करते हैं, बेटा पढ़ाई करनी है, मैम जो कहे वो सुनना, हुक्म मानना, यानी उसका बिहेवियर क्लास में, यानी हम उसके माइंड को प्रिपेयर करते हुए स्कूल ले जाते हैं, और उसको रस्ते में खतरा ना हो, फिर उसको वापस वहीं से केयरफुली लेकर आते हैं, और फिर उससे क्या पूछते हैं कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आज के लोगों को नहीं मालूम, ये सब न्यूक्लियर जनरेशन हो गई,
बच्चे के अंदर कहां कहां कैसे कैसे रद्दे बैठाने हैं, पैदागोगोस, वो उसको ट्यूटर की तरह काम करता है, उसको इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, ताकि बच्चे का मन एजुकेशन की तरफ और वो अपने एजुकेशन को अच्छे तरीके से उसके अंदर जिज्ञासा हो कि हाँ हमें ये करना है। और ये पैदागोगोस कितनी उम्र तक के लिए होता था बच्चे पे, ये होता था केवल टीन एज, फाउंडेशनल पार्ट उसका जैसी कंप्लीट वैसी बच्चा अपने आप जाने लगता था स्कूल। हालेलुया, आज देख लीजिए आप क्या हालत है। अब आप देखिए इसको पढ़िए, व्यवस्था जो थी 10 कमांडमेंट, ये यीशु मसीह तक हमें पहुंचाने के लिए पैदागोगोस का काम करती है। आज भी आप परमेश्वर के परिवार में जब बॉर्न अगेन होते हैं तो आपको पैदागोगोस यानी सबसे पहले पवित्र आत्मा कहां ले जाएगा, संविधान दिखाएगा, लॉ। और लॉ का पहला पॉइंट क्या है, पहली आज्ञा क्या थी, फिर भूल गए, इस पॉइंट पे काम करेगा। आपको मन फिराने की आवश्यकता कहां से, पहले ही पार्ट से शुरू हो जाती है। आप किसको अपना ईश्वर मान रहे हैं, हालेलुया। अब आप देखिए ये जो पैदागोगोस है ये 10 कमांडमेंट्स है, आगे पढ़िए कि हम विश्वास से आप परमेश्वर की धार्मिकता आपको कैसे मिलेगी। लेकिन विश्वास कैसे आएगा, विश्वास आपको यह करना होगा कि एक परमेश्वर है, वो कौन है यह वचन से आपको पवित्र आत्मा बताएगा। और जब आपको पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि यह परमेश्वर है सच्चा, तो आपको क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए कि नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था अभी तक, मैंने गलत किया। और जैसे ही आप मन फिराएंगे एक्सेप्ट हो जाएंगे, और जब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे तो आपको स्टडी में बने रहना है ताकि आपका जस्टिफाइड बाय फेथ। अब इसको पढ़िए आगे, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका, ये वे कौन है जो आ चुका, हाँ, ये परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के या पैदागोगोस के अब हम अधीन नहीं रहे, क्योंकि सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है तुम परमेश्वर की संतान हो। पैदागोगोस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिक्स हमारे क्लियर करता है। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ दिए 25, बट नाउ दैट द फेथ हैज कम वी आर नो लॉन्गर अंडर अ ट्रेनर द गार्जियन ऑफ अवर चाइल्डहुड। बचपन में जो हमारी बाउंड्री हमको दी गई थी 10 कमांडमेंट वाली, अब हम इसके अधीन नहीं है, अब हमारा टीचर आ गया। जब पैदागोगोस बच्चे को स्कूल में लेकर जाता है तो वहां पे उससे बड़ा बैठा हुआ टीचर। हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा वो मैम फर्स्ट, हम तुम्हें ले नहीं जाएंगे जब तक मैम नहीं कहेंगे। टीचर आ गया, टीचर के अधीन बच्चा, तो क्या हम अभी भी पैदागोगोस के अधीन? अब सब समझ गए, पैदागोगोस ने आपको दिखा दिया कि तुम्हारी चोक कहां हो रही है, तुम परमेश्वर को नहीं जानते, मन फिराओ, टीचर आ गया, द लाइट हैज केम। टीचर क्या लाया, लाइट लाया, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप यहां पर देख के ये समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है जिसके बिना हम धर्मी नहीं ठहर सकते। लेकिन यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉट अंडर अंडर द ट्रेनर और गार्जियन ऑफ अवर चाइल्डहुड फॉर इन क्राइस्ट जीसस यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ। विश्वास से तुम वहां परमेश्वर के पुत्र बनोगे। लेकिन इससे पहले एक चीज छूट गई, जस्टिफाइड वाला पार्ट छूट गया, 23 पढ़ दीजिए, 24, so that the law served to us Jews as our trainer, our guardian, our guide to Christ, to lead us until Christ
केम दैट वी माइट बी जस्टिफाइड डिक्लेयर्ड राइचियस पुट इन राइट स्टैंडिंग विद गॉड बाय एंड थ्रू फेथ। अब देखिए यहां पर दो, जब आप वर्ब देखते हैं ये बाय एंड थ्रू क्या है, दोनों चीजें एक साथ चाहिए, बाय एंड थ्रू क्राइस्ट। अब आप ये वाली चीज को समझने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, बाय मीन्स सम वे, थ्रू मीन्स ट्रुथ, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हाँ, मसीह की देह के बिना आप परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे। तो कलीसिया भी मस्त है और यीशु मसीह भी मस्त है, उसका बलिदान भी मस्त है, और ये तीन चीजें लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। कलीसिया से कोई मतलब नहीं और यीशु मसीह के बलिदान से कोई मतलब नहीं, मन फिराने से कोई मतलब नहीं, पर विश्वास कर लो क्या आज हमारी लॉटरी खुलेगी और कलीसिया में आ गया, भैया प्रार्थना कर दीजिए लॉटरी खुल जाए, भैया नौकरी मिल जाए, भैया बीमारी ठीक हो जाए। आपने देखा गॉस्पल में जाके देखिए, जिस जिस को यीशु मसीह ने, वो लकवे के मारे को यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रार्थना की कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए, या उसने पाप क्षमा किया और वो चंगा हो गया। इसका मतलब सारी बीमारियों का जड़ क्या है, आपको अगर क्षमा मिल गई, उद्धार मिल गया, नया जीवन मिल गया, तो आपकी बीमारियां मारियां सब चली जाएंगी, केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी चली जाएंगी, भावनात्मक बीमारियां होती वो भी चली जाएंगी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं। हालेलुया। तो रूट कॉज क्या है, और आप पाप से छूटे बिना सब कुछ पा लो। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको परमानेंट वे में लेके जा रहा है कि नहीं, सब कुछ मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी चीज है जड़ हटा के सब कुछ दूंगा। मेन मुद्दा है पाप। यीशु मसीह कहने लगा जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है, और मैं इसलिए आया हूं तुम्हें गुलामी से छुड़ा लूं। थैंक यू जीसस। लास्ट में आपके साथ पंच लाइन जरूर शेयर करेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसके बाद हम एक जगह और चलेंगे। जल्दी से निकालिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 23, 24 और 25। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहे थे। सिन की परिभाषा आपको बता दें, यानी सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहे थे, यही पाप के कारण जी, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ मेट यानी विदाउट एनी रिलीजियस वर्क। सेठ मेट का मतलब विदाउट एनी वर्क, आपको कुछ करना नहीं है, आपको डिक्लेयर कर रहा है राइचियस, धर्मी ठहराए जा रहे हैं जी जी, जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे काम करता है यीशु मसीह का लहू, तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में वो लहू की सामर्थ प्रकट होगी, नहीं करते तो नहीं होगी। हालेलुया। के जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इसीलिए लिखा है कि अज्ञानता के समय में उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब विकल्प है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और वो लहू मौजूद है, विश्वास करो, मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हें अपना परिवार का हिस्सा बना लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय उसका 20 पद से पढ़िए, ऊपर एक हेडिंग होगी, मत्ती रचित सुसमाचार है नहीं, 11 अध्याय का 20 पद से, हाँ अविश्वास पर हाय, यानी श्रापित है वो व्यक्ति जो विश्वास नहीं कर पा रहा।
जी, तब वो यानी यीशु मसीह उन नगरों को उलहाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने दुआ नहीं करी, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। आज सब कुछ कर रहे हैं लोग, दुआ भी कर रहे हैं, मन भी फिरा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? किसी की समझ नहीं आया। और अगर आपने मन नहीं फिराया, सब कुछ करेंगे, लॉलेसनेस इसी को बोलते हैं, झूठी मसीहत, बिना मन फिराए वाली मसीहत दिखनी चाहिए। मसीह की ज्योति हमारे जीवन से अगर नहीं प्रकट हो रही, पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हो रहे, इसका मतलब मन नहीं फिराया। विश्वासी है, सेल्फ प्रोफेस्ड जी। हाय खुराजीन, हाय का मतलब समझते हैं, आप लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं है। हाय का मतलब होता है श्रापित, श्राप तुम पर, श्राप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, श्राप जी। हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट होकर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक, क्योंकि वो अज्ञानता में कर रहे थे और तुमने तो काम देखे प्रभु यीशु मसीह के और तब विश्वास नहीं किया, तुम श्रापित हो गए। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह ने एक भी आश्चर्यकर्म आपके जीवन में किया और आपने विश्वास नहीं किया तो आप श्रापित हो गए। मन फिराओ, ये हम कर क्या रहे हैं? अरे वो सब कुछ का करने वाला जिसने शुरुआत की, वो ये दिखाने के लिए डेमो, यानी डेमो किया उसने कि शायद ये इस काम के बाद ये मुझ पर विश्वास कर ले, नहीं किया। हम अपनी स्टेटस में ही बने रहे जी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम, जो लूत के समय में सदोम अमोरा, अगर वहां ये सामर्थ्य के काम किए जाते तो वो आज तक बना रहता, मन फिरा लेता। वो बर्बाद हुआ था क्योंकि परमेश्वर ने उसे मन फिराने का मौका ही नहीं दिया था, डेमो ही नहीं किया था। लेकिन हम लोगों के जमाने में परमेश्वर का डेमो है, यीशु मसीह के सामर्थ्य के काम है, ढेरों गवाहियां हैं, ढेरों गवाह हैं, और सबसे बड़ी गवाही मैं खड़ा हुआ हूं। मैं मृतक, मुझे जो जीवन आज मिला है ना, ये जीवन मैंने उसको इसीलिए दे दिया क्योंकि ये मेरा जीवन उसी के लिए है। थैंक यू जीसस। मन फिराना कितना जरूरी है, बिना मन फिराए वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। प्राचीन काल से और आज तक उसने सबके लिए, कोई पक्षपात नहीं, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, नैतिकता सबको मालूम है। नैतिकता ये है, सबसे बड़ी नैतिकता, आत्मिक नैतिकता क्या है, स्पिरिचुअल कोड खोल दीजिए, स्पिरिचुअल कोड है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानो, पहली आज्ञा। और यही कोई नहीं मान रहा है, सब लोग हम तो चोरी नहीं करते, हम तो व्यभिचार नहीं करते, हम तो झूठ नहीं बोलते, सब अपने में लगे हुए हैं नीचे और सब बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी अड़े हुए हैं। जो कोई सारी 10 आज्ञाओं में से सारी मानता है, एक में चूक जाता, सब में दोषी ठहर जाता। आप क्या कर रहे हैं? सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है ना। क्या आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए? किस किस को चाहिए? हमने इसलिए बोला कि एक आध को चाहिए को तो बाद में बता देंगे, सबको चाहिए ना। प्रभु पर भरोसा करने का मतलब यह है आप मन फिराइए, प्रभु हम अपराधी हैं, हम आपकी दृष्टि में अपराधी हैं, हम पापी हैं, खुल के बोलिए आई एम अ सिनर, आई एम अ बॉर्न सिनर। जब आप उसके सामने अपने आप को मान लेंगे, उसे मालूम तो है लेकिन वो चाहता हम अंगीकार करें, हम अंगीकार करेंगे तो वो हमारा उद्धार करेगा। लास्ट में एक वर्ष दिखाते हैं उद्धार के विषय में, रोमियो की पत्री 10 अध्याय में जल्दी से आइए, फिर हम प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय,
दस अध्याय 9-10 छह पद से पढ़िए। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराओं में या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, ये वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जी आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए जब आप पश्चाताप करते हैं तो आप अंगीकार करते हैं, और मुंह से जो अंगीकार करते हैं वो उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। आपको उद्धार क्यों नहीं मिल रहा है, मुंह से आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, पब्लिकली खड़े होकर बोलिए दवाई के टाइम में मैं पापी था, पापी हूं, लेकिन प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता, वो मेरा प्रभु है। ये डिक्लेरेशन करना खड़े होके, यानी आप एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे तुरंत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके पास एक हफ्ते का टाइम और है, प्रिपेयर कीजिए और ध्यान रखिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे के दिन सुबह 9 बजे हम लोग जमा होंगे जैसे संडे को होते हैं, फ्राइडे के दिन, क्योंकि गुड फ्राइडे है, गजेटेड हॉलीडे है। जो लोग जिनकी इच्छा हो वो जरूर आए, क्योंकि बिना इच्छा के आने से कोई फायदा नहीं, और आप इच्छा के साथ आएंगे परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने शुरू किया है, जो अब तक चल रहा है। ये अनुग्रह का समय प्रभु, ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करे, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, उसको आप अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करें और उसको अपनी महिमा के लिए तैयार करें, ताकि हर एक विश्वास करने वाले के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।